बंद कर गया, मैं दरवाजा खोल के बाहर चलता हूँ, चलो बाहर देखते हैं क्या हो रहा है, मुझे किसने बंद किया, साले ने, अभी छोड़ूंगा नहीं उसको, पहले लॉक खोलता हूँ। ओ भाई सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण नायक, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपने अभी एक वीडियो को देखा होगा, उस वीडियो को मैंने एडिट किया है, मैंने बनाया है, आप भी कैसे बनाएंगे वो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, इस तरीका कंटेंट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको व्यू चेक कराता हूँ यूट्यूब पर, किस प्रकार से व्यूज आ रहे हैं। तो यूट्यूब को ओपन कर लिया मैंने, एंड उसके बाद यहाँ पर सर्च करते हैं गुल्ली बुल्ली गेम, आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे, जो लॉन्ग में भी है, शॉर्ट्स में भी है। तो यहाँ पर शॉर्ट्स वाले दिखाता हूँ मैं आपको एक। तो गाइस मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो को प्ले कर दिया, देखो इस तरीके से कंटेंट बनाते हैं, ये देखो ये रहा। एंड उसके बाद और वीडियो दिखाते हैं आपको, बहुत सारी वीडियो है, देखो लॉन्ग में इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, गुल्ली बुल्ली ये वाली वीडियो। ऐसे कंटेंट आप कैसे बनाएंगे वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो इस प्रकार की वीडियो बनाना सिखाऊंगा आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं इस प्रकार की, आपको कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ मोबाइल से बना सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा आपको, सिंपल तरीका बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो देखो इनके व्यूज किस प्रकार से आते हैं, गुल्ली बुल्ली जिसका नाम है इस कॉन्टेंट का नाम। तो इस प्रकार की वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ मैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर को ओपन कर देना है, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है गुल्ली बुल्ली गेम, इस वाले गेम को आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखो ये रहा वो गेम, मैंने इंस्टॉल पहले से कर रखा है, आपको प्ले करके तब दिखाते हैं। तो गाइस आपको ध्यान देना होगा कि गेम को प्ले करने से पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डर है जो अपने मोबाइल का, उसको ऑन कर लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डर साथ ही करते जाएं तो अच्छा रहेगा। तो और नेट को बंद करते हैं जिससे ऐड ना आए, इसलिए तो हमने नेट बंद कर दिया। देन उसके बाद अब इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको इसकी रिकॉर्ड करना है। तो गाइस एप्लीकेशन हमारा जो ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको प्ले करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल से प्ले पर क्लिक कीजिए, मीडियम क्वालिटी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ये देखो नॉर्मल है, जो मैं इसमें नॉर्मली रहने देता हूँ, मीडियम मीडियम। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद ये लोडिंग लेगा, उसके बाद दिखाते हैं इसका इंटरफेस है इसका, और किस प्रकार से गेम प्ले करना है आपको, किस प्रकार से वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो है जो, मतलब गेम है जो शुरू हो चुका है, इसको आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है अपने मोबाइल में। तो देखो अभी ये यहाँ पर जा रहा है, तो इसको हम आगे पहुँचाते हैं। देखो ये करेक्टर आ चुका है, कार्टून करेक्टर, इसको चलाने के लिए इधर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, देखो ये रहा, इस पर क्लिक कीजिए, देन उसके बाद ये चलने लग जाएगा, यहाँ पर आपको दरवाजे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आपको गेम को प्ले करना है। देखो ये यहाँ पर हमारे चारों तरफ मतलब 3D कार्टून है, ये 360 व्यू में भी दिख जाता है। देखो इस प्रकार से आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है सब तरीके से। यहाँ पर देखो एक्टिविटी करवानी है, यहाँ पर देखो ये झुकने वाला आ गया, इससे हम इस प्रकार से बेड के नीचे देख लेंगे, देखो ये रहा बेड के नीचे वाला व्यू, इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। देन उसके बाद फिर से आपको इसको खड़ा कर देना है, ये देखो खड़ा, इस प्रकार से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्ड है जो ऑफ कर देना है, उसके बाद चलते हैं सीधा काइंड मास्टर में। तो अपने इतना ही रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके बाद आपको काइंड मास्टर में एडिट करना दिखाते हैं। लेकिन गाइस आपको एडिटिंग करने का बहुत ही ध्यान देना है, अगर एडिटिंग नहीं करेंगे तो आपके चैनल पर रिव्यूज कॉन्टेंट आ जाएगा, इसलिए आपको एडिटिंग में ध्यान देना है। तो काइंड मास्टर को ओपन कर लीजिए, देन उसके बाद आपको बताते हैं किस प्रकार से एडिटिंग करनी है। तो काइंड मास्टर हमारा ओपन हो चुका है, यहाँ से आपको क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है, एंड 16:9 वाला रेशियो सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने वीडियो को बनाया है, मतलब रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है, देखिए गाइस ये रही हमारी वीडियो, इसमें करना सिखाएंगे आपको एडिटिंग। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो पर क्लिक कर देना है, ट्रिम स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको इधर वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है, जिस प्रकार से आगे बढ़ाएं। एंड उसके बाद यहाँ से हमारा गेम शुरू हो जाता है, तो ट्रिम लेफ्ट कर देना है, यहाँ से इधर का पार्ट चला गया। एंड उसके बाद फिर से इस पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको पैन जूम वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद इसको जूम कर देना है इस तरीके से जो देखने में अच्छा लगे, एंड इसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए जो बराबर हो जाएंगी दोनों लेयर। एंड उसके बाद फिर से आपको बताता हूँ क्या करना है, तो इधर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हम कट कर देते हैं, ये रहा इधर का, तो इस प्रकार से आपको कट कर देना है। देन उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे, आवाज़ को इसकी म्यूट कर देंगे, देखो हमारी आवाज़ जो बिल्कुल म्यूट हो चुकी है। देन उसके बाद अब बताते हैं आपको और क्या करना है, इस पर क्लिक करें एंड रोटेटर मिररिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ से मिरर कर दें, इधर ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दें, एंड उसके बाद ये जो उल्टा हो जाएगा इधर का इधर हो जाएगा इस तरीके से। एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आपको फिल्टर लगा देना है, यहाँ पर फिल्टर को भी लगाना जरूरी है जिससे वीडियो है जो मैचिंग ना हो, रियूज कंटेंट आने की संभावना ना बढ़े। एंड उसके बाद एडजस्टमेंट पर क्लिक करें, एडजस्ट भी कर दें इस प्रकार से जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो ये हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, ज्यादा मैचिंग भी नहीं हुई, कलर ग्रेडिंग कर दी, मतलब कलर को चेंज कर देना जिस प्रकार से मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ। एंड उसके बाद अब बताते हैं आपको वॉइस ओवर करना, तो वॉइस ओवर करना आपको जरूरी है, वॉइस ओवर नहीं करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, इसलिए आपको वॉइस ओवर करना जरूरी है।
तो वॉइस ओवर करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपल से इस पर क्लिक कीजिए एंड वॉइस ओवर करिए। उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। तो वॉइस ओवर कर लेते हैं सबसे पहले, तो रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डायनेस के बाद वॉइस ओवर किस प्रकार से। तो भाई देखो अभी मैं यहाँ, ओ भाई अभी मैं बाहर चलता हूँ, बाहर खोलता हूँ दरवाजा। ये मुझे घर के अंदर कौन बंद कर गया, मुझे घर पर कौन बंद कर गया, मैं दरवाजा खोल के बाहर। तो गाइस इस प्रकार से आपको वॉइस ओवर को कर लेना है, जैसे अभी मैंने आपको वॉइस ओवर करके दिखाया है, यहाँ से आपको वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर में इफेक्ट डालने के लिए वॉइस पर क्लिक कीजिए एंड वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। वॉइस चेंजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी वॉइस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से किड वाली वॉइस को ले लेता हूँ एंड उसके बाद आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी थोड़ा और एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस प्रकार से क्लिक किया, इसको इधर का बीच बीच में से कट भी ले लेना है थोड़ा बहुत एंड उसके बाद हमारी वीडियो बन के जो रेडी हो चुकी है। प्ले करके दिखाता हूँ किस प्रकार से वीडियो बनी है, तो वीडियो को देखिए आप। तो गाइस इस प्रकार से हमारी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको वीडियो को कर देना है सेव। सेव करके आप YouTube पर अपलोड कीजिए, देन उसके बाद आपके व्यूज है जो मिलियंस में आने वाले हैं, लाखों में आएंगे एंड आप भी चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं इजीली एंड उसके बाद पैसे कमाइए आप भी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू चैनल आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।